विश्व तंबाकू और धूम्रपान निषेध दिवस के अवसर पर आज जनपद पंचायत में नशे से मुक्ति पाने की जागरूकता के लिए रैली निकाली। तंबाकू का है अंजाम, तंबाकू का है अंजाम, तंबाकू का है अंजाम, भले काम से मुंह मत मोड़ो, तंबाकू की आदत छोड़ो, भले काम से मुंह मत मोड़ो, तंबाकू की आदत छोड़ो, भले काम से मुंह मत मोड़ो, तंबाकू की आदत छोड़ो। आज तंबाकू दिवस संपूर्ण भारत में मनाया जा रहा है, उसी के अंतर्गत हमारे विदिशा जनपद पंचायत के तत्वाधान में सभी कर्मचारी अधिकारियों के साथ आज हम माधवगंज से जनपद पंचायत विदिशा कार्यालय में तक हमने ये रैली का आयोजन किया है। और मैं तो ये कहूँगा, जो मनुष्य तंबाकू सिगरेट बीड़ी जो पीते हैं, जिसके कारण फेफड़े उनके ख़राब होते हैं और कई बीमारी को जन्म देते हैं, मैं सभी नागरिक बंधुओं से निवेदन करूंगा इस चीज़ से बचें, क्योंकि तंबाकू खाने से कैंसर जैसी बीमारी घातक होती है, जो शरीर के लिए बहुत ही घातक हैं। मैं पुनः निवेदन करूंगा सभी आम नागरिकों से, तंबाकू से बचें, तंबाकू का पैगाम मौत का है अंजाम। यह मेरा आपसे निवेदन है कि पुनः इसको सोचें हमारे नागरिक बंधु, तंबाकू से बचें। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है, इस उपलक्ष्य में हमारी है रैली। हमारा मुख्य उद्देश्य भारतीय सामान्य जनता जो तंबाकू के दुष्प्रभाव को झेल रही है, जो उसके दुष्प्रभाव को नहीं जानती है या जानकर भी अनजान बनी हुई है, उन तक संदेश पहुँचाना कि भाई इस तंबाकू का बहुत ही दुष्परिणाम है, जिससे आप न केवल व्यक्तिगत शारीरिक रूप से परेशान होते हैं बल्कि आपका समाज, आपका परिवार भी परेशान होता है। तो इसके लिए हमारा संदेश था कि हम कम से कम आज इस उद्देश्य से एक व्यक्ति को भी नशा मुक्ति का संदेश दे पाए, उसे छुड़वा पाए, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी हमारा मुख्य उद्देश्य। जनपद में आह्वान भी किया है आपने, क्या जनपद में आह्वान किया है कि आज जनपद के जो अधिकारी कर्मचारी हैं, जो अमला है मेरा जनपद का, वो सर्वप्रथम अपने अंदर सुधार करें, क्योंकि अगर हम अपने अंदर सर्वप्रथम सुधार करेंगे किसी कमी को लेकर के, तभी हम किसी दूसरे को बोल सकते हैं कि हाँ भाई आप कुछ सुधार करिए। तो आज मैंने जनपद के समस्त कर्मचारियों से ये बात रखी है कि सर्वप्रथम आप जो भी इस प्रकार का पदार्थ का सेवन करते हैं उसका ध्यान।